तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया आप सबका इकरा खान ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मुझे अभी बारिश में एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो आप लोगों को लास्ट टाइम में मैंने टीवी बताई थी उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वही रिमोट के लिए भी जा रही हूँ मैं शॉप पर। तो अभी देखते जाओ आप लोग, मतलब ऐसा है कि प्रॉब्लम्स को हम लोग से प्यार हो गए, मतलब एक के बाद प्रॉब्लम आती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो मैं सोची ये भी बता दूँ आप लोगों को कि एक एक चीज़ शेयर करना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए अभी बस मैं जा रही हूँ। तो देखते जाओ आप लोग आगे, देखिए कल ले रही हूँ वीडियो ट्रैफिक की वीडियो। तो अभी ये रिमोट लेकर आ गए हम, बारिश थी, अरे बंद करना ये, बारिश थी इसके वजह से मैंने बाहर कैमरा ऑन नहीं करी। मैं देखो उसे बोला कि टीवी बंद करके फिर चालू करो, फिर प्रेस करके रखना है कुछ, तो देखते हैं अभी। बंद कर दी, प्लग भी निकालना है, पूरा ऑफ करो, प्लग नहीं बोला है, खाली इसने बोला पूरा बंद करके फिर खोलना। अभी चालू करूँ? हाँ नहीं, अभी रुक ना, अभी पूरी लाइट बंद हो जाने दे, बंद करिए ना प्लग। बहुत देर के बाद इसकी लाइट बंद होती है। चलो हो गया, हो गया ना, थोड़ा रुक। हाँ अब सेल डाल भाई, ऐसे ही चालू कर दे, सेल डाल। एक सेकेंड, अरे सेल है, नए है अभी, उस दिन हम लोग रिमोट को डालने के लिए नए मंगवाए थे, ये भी चल रहे हैं इसके अंदर और भी रखे हुए। गिर गया, हेलो, लग रहा है सेल, हेलो, एक जगह ही दोनों क्यों रखी है? पहले तो मैं इसके अंदर रिमोट बन के आ रहा है, उसके बाद फिर ऐसा बता रहे कि ये वॉल्यूम का जो है ना प्लस माइनस उसको प्रेस करके रखो, वही कर दी। टीवी पूरा रीसेट हो गया ना, पूरा एरियस हो गया, तो उसके अंदर वापस से नया सिस्टम चालू हो रहा है, तो फिर नया करना पड़ेगा। एक मिनट पूरा, हाँ 5 से 10 सेकंड बोला उसने। हाँ। हुआ। अभी पूरा आ जाए, अभी इसके अंदर पूरा सिस्टम लगाना है, सब करना है पूरा सेट। ये ओरिजिनल तो ये होता है, बाहर तो पूरा जो सुबह से भाग लो, हम कर रहे हैं खाना पीना सब आराम है अंदर। गाइस फाइनली ये टीवी चालू हो गया है एक दिन के बाद, तो कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पता नहीं कि वो रिमोट में चालू नहीं होता, अभी नया ओरिजिनल वाला रिमोट लेकर आए ना, तो उसके बाद अभी ये चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ बाहर जाके, पूरा भुरखा वुरखा सब गीला हो गया, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो क्या खा रही है? कौन सा पापड़ है ये? लिज्जत पापड़। अच्छा ये देखो ये वाला पापड़। ओके मिलती हूँ आगे। तो अभी मैं फ्रेश होके बैठ गई, मतलब खड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। पियोगे ना? मैं भी चाय, आधी कप सब चाय पियेंगे, इलायची वाली चाय बनाने के लिए। इलायची वाली बना।
इलायची नहीं, नॉर्मल बना रही अभी मैं। ये लड़की चाय बनाती है, अदरक वाली तो पी लेते, मतलब जब इलायची डालती है ना तो ऐसा लगता है अमूल कूल पी रहे। टेस्ट तो आया ना, लेकिन वैसे ही अमूल कूल हो गया। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आ जाओ आप लोग भी चाय बनाने, हाँ ये बोल सकते कि आ जाओ चाय पीने के लिए। अभी चाय की रेसिपी कितनी बार बताऊँ आप लोगों को मैं, हाँ ये कि थोड़ा गॉसिपिंग कर लेती हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स एक्चुअली ना ज़्यादा आ नहीं रहे, ये यहाँ पर नहीं कहीं और बन रहे, तो मेरे ब्लॉग्स ज़्यादा आ नहीं रहे। फिर क्या बोल, बारिश की वजह से ना एकदम कंटाल आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ करने ही मन नहीं हो रहा। फिर बाद में तो सोचते नहीं अब बनाना है, अब मुझे रुकना नहीं, अब बनाते ही रहना, क्योंकि एक दिन का भी गैप हो जाता है ना तो फिर इंटरेस्ट हट ही जाता है। तो ये भी मैं बना रही हूँ, मम्मी ने बनाए थे आज गोश्त का पुलाव। आप लोग सोचते रहेंगे कि हम ऐसे पुलाव ही खाते रहते हैं, लेकिन क्या है पुलाव बिरयानी सब अच्छा लगता है, गोश्त में ये सब तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये पुलाव बनाया था मम्मी ने, यखनी नहीं नॉर्मल है गोश्त का पुलाव। सब बस चाय चलाने के लिए चाय में, गाइस मुझे सपोर्ट करते रहो आप लोग, जितना अब तक कर लिए वो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, और करते जाओ और करते जाओ। और अभी मैं जाकर आई ना मैं बाहर, तो बारिश इतनी हो रही थी कि बाहर तो मैं कैमरा ऑन कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास GoPro है नहीं, तो मैं बाहर चालू करूँ कैमरा, मैं वही सोची घर पे जाके बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोग से ना एक एक छोटी छोटी सब एक एक चीज़ शेयर करते जाऊंगी, मेरे साथ मेरे रिलेटेड जो जो चीज़ है मैं आप लोग से सब शेयर करूंगी। आप लोग ये मत सोचना कि अरे इतनी इतनी सी बात शेयर करके क्या मतलब है, मैं जब बड़ी बड़ी चीज़ शेयर कर सकती हूँ तो छोटी छोटी भी करूँगी, सब चीज़ शेयर करूँगी जो है। मेरे को ये नहीं होता कि अरे ये चीज़ क्या बताओ वो चीज़ क्या बताओ, मैं सब चीज़ शेयर करूँगी आप लोग से। आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, मेरा वीडियोस देखते रहो ऐसे ही। और आप लोगों को जो पीछे ये कपड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे ना हम लोग एक्चुअली दो कपड़े डाले हैं, ये वाला ये तो नॉर्मल ऐसा है पोछने के लिए, जैसे कभी बारिश वगैरह आई तो पोछ दे, तो उसके लिए वो ऐसे यूज़ नहीं करने वाला है, ऐसे नॉर्मल पोछने के लिए तो वहाँ सुखा के रहा, क्योंकि बारिश आती है ना पूरा पानी ये दरवाजे से ना पूरा अंदर आ जाता है, ये दरवाज़ा तो हम लोग बंद ही रखते हैं 24 आवर, खुलते नहीं है, वो वाला ही खुला हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे दो गेट है, ये वाला है एक वो वाला है, तो ये दरवाज़ा तो हम लोग बंद ही रखते किचन का, यहाँ खुलते ही नहीं है, पानी इधर से आ जाता है तो ये पोछने के लिए यहाँ पे रखे हैं। अब बताओ गाइज आप सब कैसे हो, सब चल रहा है ठीक? आ जाओ आओ इधर, क्या करूँगी आगे मिलो फिर आगे। चालू है कैमरा में चालू रख के बना रही बातें कर रही थी, मैं बोली देखूं कहीं चाय बन गई कि नहीं बन गई, इनको लगा मैं चाय पहले से चढ़ा दियो, मैं चाय चढ़ाने के लिए अभी आई हूँ, उनको लगा चाय पक्के वो हो गई है एकदम। आप लोग सोचते रहेंगे सिर्फ चाय 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 चाय, चाय पीते हैं तो चाय तो दिखेगी। नॉर्मल वाली बना रही ना इलायची ना अदरक, नॉर्मल वाली चाय, तो बस अभी यहाँ पे ये चाय पक जाए इन लोगों को दे दूँ मैं शाम की चाय बना के। शाम के टाइम में क्या हूँ कि इतना बोर होता है, स्पेशली बारिश के टाइम पे निकलना तो होता नहीं है कहीं, हाँ अगर बहुत रेयर जैसे कभी पापा की छुट्टी हो गई या फिर ऐसा कुछ हो तो निकलते हम लोग नहीं तो नहीं। और आप लोगों को पता है गाइस मैं ना किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करने वाली, मैं ब्लॉग्स में इतनी बात कर रही हूँ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा मगर एक बोलते ना एक हैबिट हो जाती है इंसान को, कोई चीज़ करते 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 तो फिर इंसान को फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब करते जाओ अब रुको मत, इसीलिए तो मेरे को भी बात करने की आदत हो गई है, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती लेकिन मैं ब्लॉग्स में बात कर लेती हूँ जो भी। आप लोगों को पुलाव देखना है, एक सेकंड में दिखाती हूँ, देखना नहीं है मैं दिखाती हूँ फिर भी।
तो ये है हमारा मटन पुलाव, यमी यमी मटन पुलाव। वाइट में फर्स्ट टाइम बनाया, इससे पहले बनाए थे वो थोड़ा मसाले वाला था, ये वाइट है, देख सकते हो आप लोग। दोपहर का तो खाना हो गया, अभी शाम रात में भी यही खाएंगे, तो मिलती हूँ अभी एक सेकेंड। तो जैसे कि गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी इतनी सी बात बता रही हूँ, तो आप लोग भी देखा जाए तो मेरी एक फैमिली हूँ जो मुझे सब्सक्राइब की है, मुझे सपोर्ट की है अभी तक, तो वही आप लोग से सब शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ ना। मैं अभी कुछ मुझे 2 वीक्स हो गए ऑलमोस्ट मुझे स्टार्ट करके, तो वही अभी मैं छोटी 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 चीज़ों से आप लोग से शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बस आप लोग मेरे ऐसे बने रहो, मेरे को यही बोलना है बस। दूध डालने जा रही हूँ, होने तो दे चाय पकने तो दे यार। चाय निकाल दो, उसके बाद मिलते हो आपसे। और गाइस जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे डिमोटिवेट करें, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग मुझे कितना भी कुछ भी बोले मैं आप लोग की बातों सुनूंगी नहीं, मुझे जो करना है मैं वो कर रही हूँ। तो डिमोटिवेट करने से पहले आप लोग ये सोचो कि सामने वाला वो चीज़ करेगा या नहीं, तो बोल के आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, मतलब नहीं है। मैं आप लोग की बात ऐसे सुनने नहीं वाली, जो जो भी डिमोटिवेट कर रहे हैं और जो जो सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को दिल से शुक्रिया। तो गाइज अभी के अभी ये देखो हो गया, वो एक प्लास्टिक एक बच्चे ने खींच के गया यहाँ से, तो वो गई उसके घर पे बोलने के लिए, तो बीच में एक लादी आई तो वहाँ से वो गिर गई और पैर थोड़ा सा उसका मतलब पूरा फट गया मतलब हाँ खून निकल रहा था। तो अभी उसको लुकमान्या तेल लगा के अभी पट्टी लगाए, रो रही है कैसे, मैं बोल रही उसको ठीक हो जाएगा अभी। अच्छा वो अभी लगी है ना घर पर आ रही हूं। अच्छा चलो हो जाएगा, बैठ जा नीचे। अच्छा ये भी अब चेंज कर रही थी इसका। अच्छा तो गाइस आज का ब्लॉग मैं ये एंड कर रही हूँ, बस ये ठीक हो जाए इसका पैर, आप लोग दुआ करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, बस अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। रोशन बोली था।